असलम व्यूवर्स वेलकम टू माई चैनल कैट्स एंड बर्थ क्लब मैं हूँ फरूश आजाद और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है उन लोगों के लिए जो लोग कैट बाय करना चाहते हैं और उनके लिए भी जिनके पास ऑलरेडी कैट्स हैं और वो मज़ीद बाय करना चाहते हैं या जिन्होंने कभी कैट बाय नहीं की तो बाद में क्या पता प्रोग्राम बन जाए बाय करने का तो आपको ये चीज़ों का पता होना चाहिए बाय करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि आप कैट बाय करना जा रहे हैं तो वो जो आपको चीज़ सेल कर रहा है वो आपको फ्रॉड ना लगा सके तो आपको पता होना चाहिए तो अगर मुझे पता चल सकता है अगर मैं देख के बता सकता हूँ कि कैट ठीक है भी या नहीं उसकी क्या क्वालिटी है तो फिर डेफ़िनेटली आप भी बता सकते हैं तो इसी मैं ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़्रॉड से बचा सकें क्योंकि आजकल कैट्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा फ्रॉड जो सा आ रहा है जिन इलाकों में अभी तक ये कैट्स नहीं पहुँचे बड़े सिटीज़ में तो ये कैट्स आ चुकी हैं लेकिन जो छोटे सिटीज़ हैं जो गाँव वगैरह हैं वहाँ पर लोगों ने कभी ऐसी कैट्स ना रखी है ना कभी देखी है तो जिन लोगों को जो सा इंटरनेट पर एक्सेस है उन्होंने ये कैट्स देखी हैं पर्शियन और वो अब रखना चाहते हैं तो उनको फ्रॉड लगाने वाले बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं तो अब लेट्स सपोज़ कि अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ आपको वो बता रहा है कि जी मेरे पास पर्शियन कैट है ट्रिपल कोट है ये ये क्वालिटी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्शियन कैट है भी या नहीं तो सबसे पहले आपने ये चीज़ जानना है कि पर्शियन कैट जो अपनी लुक से ही बता देती है कि वो पर्शियन कैट है अब वारा कैट जैसी नहीं लगेगी उसका मुंह लंबा नहीं होगा जो आजकल जो कैट्स हैं और सबसे बड़ी बात उसके बाल लंबे होंगे ठीक है अगर आप इतनी इतनी छोटे छोटे बालों वाली आपको कोई कैट दे रहा है और वो बोल रहा है वो पर्शियन है तो वो पर्शियन नहीं होगी पर्शियन कैट्स के जो से हैं वो बाल लंबे होते हैं टेल पर भी बाल होते हैं तो कुछ कैट्स होते हैं जिनके थोड़े थोड़े बाल लंबे होते हैं लेकिन टेल पर बाल नहीं होते वो भी पर्शियन नहीं होती तो पहले तो इस बात को आपने कन्फर्म करना है कि ये पर्शियन कैट है भी या नहीं उसके बाद आ जाता है कि वो बोलता है ये डॉल फेस है या पंच पंच फेस है तो वो आपने इसके फेस से अंदाज़ा लगा लेना है कि अगर फेस बहुत ज़्यादा बाहर है तो वो नॉर्मल फ़ेस में आ जाता है अगर फेस थोड़ा सा कम की तरफ बाहर है तो जैसे ये वो डाल फेस में आ जाता है अगर इससे भी थोड़ा सा अंदर हो यानी कि बिल्कुल ही कम बाहर की तरफ है तो सेमी पंच अगर बिल्कुल ही अंदर की तरफ है कि अगर आप ऐसे उसका पंच रखें तो वो बिल्कुल उसकी आयज़ के साथ मिले ऐसे बिल्कुल पंच की तरफ उसका मुंह फ्लैट हो तो वो होते हैं पंच फेस वो आप खुद ही भी ऐसे आप इस तरह कैट को अगर रखें तो आपको पता चल जाएगा ये देखें ये इसका फ़ेस इतना सा आगे है यानी कि ये डॉल फेस है इससे कम आगे होगा तो ये सेमी पंच में आ जाएगी और बिल्कुल ही अंदर होगा तो वो पंच में आ जाएगी तो ये अभी मेरे पास जो से है ये डॉल फेस है और डॉल फेस की आइज़ जो सी होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं और नोज़ जो सा पिंक होता है तो ये मेरे पास किटन कि, है अभी बिल्कुल अडल्ट कैट नहीं बनी तो इसको अब अब, अब अगर आपको वो जो सेल रहा है कैट वो आपको अब आप बोल रहा है कि ये जी ट्रिपल कोटेड है तो आप कैसे पता चलेगा कि आपको ये ट्रिपल कोटेड है डबल कोटेड है या सिंगल कोटेड है तो आपने क्या करना है कि हर जगह स्केल लेके तो हम नहीं घूम सकते तो अपनी उंगलियों से अंदाज़ा लगाना है अगर आप कैट बाय करना चाह रहे हैं तो उसके बालों को ऐसे पकड़ें ऐसे उंगली लगा के ये अब आपके उंगली में ये बाल कहाँ तक आ रहे हैं उंगली के तीन सेगमेंट होते हैं तीन हिस्से होते हैं अगर एक एवरेज इंसान की जो उंगली का साइज़ होता है ये फर्स्ट फिंगर का साइज़ होता है तो वहाँ पे तीन आपको हिस्से मिलेंगे अगर पहले हिस्से से नीचे है तो वो सिंगल कोट है वो डबल कोट नहीं है अगर दूसरे हिस्से तक आ रही है उसके बालों की लेंथ दूसरे हिस्से तक आ रही है तो वो डबल कोट होगा और अगर डबल दूसरे हिस्से से ऊपर जा रही है तीनों हिस्से कवर कर रही है तो यानी कि वो ट्रिपल कोट हो जाएगा ठीक है तो इस तरह करके आप बड़ी इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जी आपको जो चीज़ दी जा रही है वो सिंगल है डबल कोट है या ट्रिपल कोट है तो ये तो हमने कोटिंग का अंदाज़ा लगा लिया ये भी पता चला लिया कि ये पर्शियन है या नहीं है अब उसके बाद बात आती है इसके फर की जितना अच्छा इसका फर होगा जितना सिल्की होगा उतनी ही जोन है ना इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी और इसकी कीमत भी फिर उस हिसाब से ज़्यादा होती है और आपने ऐसे हाथ फेर के चेक कर लेना है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो कैट बाय करनी है वो कितनी फ्रेंडली है तो अगर वो आपकी कंपनी को इन्जॉय कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है यानी कि आप फ्रेंडली कैट ले रहे हैं तो आपको काट वगैरह नहीं रही आपसे भाग नहीं रही तो वो फ्रेंडली कैट्स में आती हैं उसके बाद मैं इसके फ़र्क का बता रहा था कि अगर इसके फ़र के अंदर वो जो जुड़ जाते हैं बाल गिल्टियाँ गिल्टियाँ बन जाती हैं तो अगर वो बने हुए हैं ना तो इतना मसला नहीं है इससे ये जाहिर होता है कि उसकी कैट की केयर नहीं की गई उसको कंबिंग नहीं की गई उसका हल है कि उसको अगर आपने शौक़ से कैट रखी है उसको आप रेगुलर उसकी कंबिंग करते हैं उसके बाल जो उनसे आपस आप में अटके नहीं तो इस तरह उसके बाल भी सिल्की रहते हैं इनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है और कैट भी खुश रहती है और आपकी कंपनी को इन्जॉय करती है तो इसके बालों में कोई भी नाट नहीं है कोई भी जुड़े हुए कहीं से भी नहीं है तो ऐसी कैट्स आपको लेनी चाहिए और जिनके नाट्स हैं तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है फिर आपको वो उनको उतारने पड़ेंगे या आपको ट्रिम करवानी पड़ती है जिससे कैट की खूबसूरती जाती रहती है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर लेना चाहते हैं तो उसकी कीमत आधी होगी बिल्कुल अगर लेट सपोज वो आपको नाइन थाउज़ेंड की कैट कह रहे लंबे बाल हैं लेकिन उसके बाल जुड़े हुए हैं तो नाइन थाउज़ेंड मत दीजिएगा फोर थाउजेंड या फिर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इससे ज़्यादा कि वो कैट फिर नहीं होगी क्योंकि उसके बाल जो हैं उसकी फिर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसको या उसको ट्रिम करवाने पड़ेंगे या डेली जो है आपने वो फिर वो उसके बालों पर उतारेंगे तो आप देख लें कि अगर कम नाट हैं तो कोई मसला नहीं है अगर बहुत ज़्यादा हैं नाट बाल जुड़े हुए हैं ऐसे जैसे जैकेट उसने पहनी हुई है तो फिर आपको जो है ना वो कैट या नहीं लेनी चाहिए या अधिक कीमत पर लेनी चाहिए उसके बाद आप ये तो फर वग़ैरह इसका देख लिया उसके बाद आपने कैट को उसकी हेल्थ के बारे में जानना है तो जिससे आप खरीदने जा रहे हैं उसको बोलें कि इसको कुछ खिलाएं क्योंकि आप उसको अपने सामने आंखों के सामने कुछ खाता हुआ देख सकें अगर वो उस टाइम नहीं खाएगी या कोई मसला वगैरह होगा उसमें तो बाद में आपको परेशानी वगैरह ना बने तो जब कैट को आप उठा के देखें उसका वज़न जो है, वो बहुत ही हल्का ना हो थोड़ा सा वज़नी कैट को होता होना चाहिए कैट हेल्दी जो है थोड़ी सी वज़नी होती है उसके बाद उसकी हड्डियाँ महसूस नहीं होती यानी कि अगर आप उसको थोड़ा सा दबाते हैं ना तो आपको उसकी हड्डियाँ चुभती नहीं हैं ठीक है वो थोड़ी सी नरम नरम लगती है उसके ऊपर जैसे उसके मसल्स उसके गोश्त वगैरह आपको फील होता है तो वो वाली कैट जो है वो हेल्दी होती है अगर आपको उसकी बहुत ज़रा हड्डियाँ चुभ रही हैं तो यानी कि वो हेल्दी कैट नहीं है उसके बालों ने कवर किया हुआ लेकिन वो बिल्कुल भी हेल्दी कैट नहीं होती उसके बाद आपने उसकी आइज़ की तरफ देखना है आइज़ में मैं आपको क्वालिटी बता दूँ एक uh, मेरे व्यूअर्स uh, ने जो था उनमें से एक ने कमेंट भी किया था कि भाई बताएं कि आइस कलर कैसा होना चाहिए कौन सा आइस कलर वाली कैट जो है वो बेस्ट होती है तो बेस्ट जो आइस कलर होते हैं वो एक ग्रीन होता है एक ब्लू होता है इनकी जो कीमत होती है इनकी जो कास्ट होती है वो दूसरी आम आंखों वाली कैट से ज़्यादा होती है आम आंखों से मुराद गोल्डन आइज़ हो गई पीली कलर की आइज़ हो गई ग्रे आइज़ हो गई ये एवरेज नॉर्मल आइज़ में आती हैं लेकिन जो ग्रीन आइज़ हैं और जो ब्लू आइज़ हैं ये नॉर्मल आइज़ में नहीं आती ये स्पेशल आइज़ होती हैं तो इनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है तो फर्क क्वालिटी जो जानने के बाद उसकी पशन है भी या नहीं पंच फेस है या डॉल फेस है या सेमी पंच है वो जानने के बाद आपने उसके बालों में फर्क वगैरह को चेक कर लिया नॉट भी वगैरह नहीं है उसमें तो ये कैट आपको ले लेनी चाहिए उसके बाद उसकी हेल्थ ठीक है उसकी हड्डियाँ वगैरह आपको ज़्यादा नहीं महसूस हो रही उसका वेट भी है उसके बाद लास्ट चीज़ जो आपने देखनी है कि उसके बालों के अंदर वो फ्लियर्स और वगर टिक्स वगैरह तो नहीं है वो जुएँ वग़ैरह जो इनके बालों में पिस् वगैरह पड़ जाते हैं तो वो आपने चेक करने हैं ऐसे देख के कोई ना कोई तो आपको नज़र आ ही जाएगा अगर उसके बालों में हुआ तो अगर हुआ भी तो फिर आप ये करें कि जिससे वो कैट बाय कर रहे हैं उसको बोले आप मुझे एक वो स्प्रे भी ला के दो जो फ्रंट लाइनर स्प्रे होता है वो लगाएंगे आप तो इनशाला एक या दो घंटे के अंदर अंदर उसके जो सारे फ्लियर्स और टिक्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे दिन में एक या दो दफ़ा लगाते हैं तो वो उसका बहुत फास्ट रिज़ल्ट है मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी हुआ है उसके बारे में कि फ्लियर और टिक्स को रिमूव करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं तो वो आप देख सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा तो वो आपने देने हैं और अगर उसके बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं तो तब भी इतनी परेशानी की बात नहीं है उसमें विटामिन ई e की कमी होती है तो आप कैट ले लें तो उसको विटामिन ई e के कैप्सूल देंगे जिससे वो कैट जो होती है वो उसके बाल हेयर फॉलिंग कम हो जाएगी तो ये चीज़ें अब आपने देख ली हैं उसके बाद आपने ग़ौर से एक दफ़ा चेक कर लेना है कि उसको कहीं से बाल उतरे तो नहीं हुए क्योंकि जब फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट होती है तो कानों के पास से हमेशा या गर्दन के पास से बाल उतरे होते हैं और अंदर स्किन थोड़ी सी रफ़ होती है तो वो आपको पता चल जाएगा कि कहीं से बाल उतरे हुए हैं स्किन रफ़ है तो उसको फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो रही है तो वो ऐसी कैट भी ना लें आप क्योंकि उसके बाद उसकी फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है या उसको बोलें ट्रीटमेंट करके दे उसके बाद जोन सी या उसकी कैट की जो हेल्थ है वो उसकी आइज़ बता देती हैं आपने आइज़ चेक करनी है कैट की कि उसकी आइज़ में जोन सा है वो आंसू वगैरह तो नहीं आ रहे अगर आंसू आए हुए आंसुओं के निशान बहुत ज़्यादा हैं थोड़े बहुत तो चलते हैं लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हैं तो यानी कि इसका मतलब है उसको स्टोमक प्रॉब्लम है उसका जो सा स्टोमक ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है तो वो कैट भी जो उन थोड़ी सी बीमार होती हैं उस तो उसका कोई ना कोई मसला है उसके बाद या आंखों में कोई स्वेलिंग वगैरह या एक आंख सूजी हुई है तो ऐसी कैट जो सी वो आप ना लें क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं तो बीमार चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए और सबसे अहम बात एक है कि आजकल जो है व्यूवर जो व्यूवर कह लें कस्टमर कह लें वो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि वाइट कलर की कैट होनी चाहिए ट्रिपल कोट हो और ब्लू आइज़ में हो अब मैं आपको ये बता दूं कि जो मोस्टली ब्लू आइज़ कैट्स होती हैं ना वो डेफ होती हैं वो सुन नहीं सकती तो इसका मतलब है कि अब आप, आप अगर शौक रखते हैं कि आप कैट को बुलाएं और कैट आपके पास दौड़ी चली आए तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो सुन ही नहीं सकती तो वो फिर आपको कोई इशारा रखना पड़ेगा उसके लिए को कोई इशारा करेंगे खास इशारा जब उसको खाना डालते हैं तो वो भागती हुई आपके पास आएगी मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा पूरी डिटेल से बताऊँगा कि इन इस तरह की कैट्स को कैसे सिखाया जाता है और कैसे हैंडल करना है कैसे उनकी केयर करनी है जो सुन नहीं सकती तो ज़्यादातर ब्लू आइज़ जो सुन नहीं सकती लेकिन हर कोई नहीं कुछ कैट्स जो उन ब्लू आइज़ में भी सुन सकती हैं तो फिर वो कास्टली भी बहुत होती हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं मैं उसकी रेंज आपको बता देता हूँ कि ट्वेल्व टू फिफ्टीन थाउजेंड होती है जो सुन सकती हैं ब्लू आइज़ में तो जो ब्लू आइज़ में जो सुन नहीं सकती उनकी एट टू नाइन थाउज़ेंड वो उसकी होती है और बाकी आम इस जैसी कैट्स जो उन होती हैं वो भी जो उन सेवन टू एट थाउज़ेंड की आपको मार्केट से मिल जाती हैं ठीक है उसके बाद क्वालिटी आ जाती है बहुत ज़्यादा आप जिसने रखी हुई है बहुत ज़्यादा केयर की हुई है वो उसके ट्वेल्व भी, भी मांग सकता है फ़िफ्टीन भी मांग सकता है तो डिफरेंट रेट्स मार्केट में होते हैं तो रेट्स जो उनसे हैं वो इनके कैट्स के फाइव थाउजेंड से लेकर फिफ्टीन थाउज़ेंड तक मार्केट में जो उनसे ना वो अवेलेबल आपको होते हैं तो ये तो अब आपने चेक कर लिया अब आप कैट्स लेने गए हैं आपने हर चीज़ चेक कर लिया उसके फ़र चेक कर लिया उसकी फर क्वालिटी उसका फ़ेस वग़ैरह हर चीज़ को आपने अच्छे से देख लिया उसके बाल जुड़े हुए वगैरह नहीं है उसके बाद उसकी आंखें वग़ैरह चेक कर लें कहीं से बाल उतरे हुए नहीं है कहीं से फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो उसके बाद जो कानों का चेक करना है वो ऐसे करना है देखें ये रिस्पॉन्स कर रही है ना ये यानी कि ये सुन सकती है इसीलिए ये उस पर बिल्कुल रिस्पॉन्स करती है जो सुन नहीं सकती हो कि उसके पास चाहे डोल वगैरह बजा लें फिर भी उसको आवाज़ नहीं आएगी तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी तो ये तो छोटी छोटी आवाज़ से भी चौंक जाती हैं ये बिलियाँ इनके कान इतने तेज होते हैं कि बड़ी तेज़ी से जो ना ये सुन सकती हैं तो वो वाला इशू थोड़ा बहुत आता है तो अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं और आपको पता है कि उसकी हेयर क्वालिटी भी जैसी वो आपको बता रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है आपके साथ आपके साथ बिल्कुल हॉनेस्ट है तो फिर आपने जो है ना उससे कैट बाय कर लेनी है और उसके बारे में उसका जो डाइट प्लान है वो पूछ लेना कि आप इसको दिन में कितने टाइम दे रहे हैं कौन सी डाइट दे रहे हैं तो वो वाली फूड अगर उसके पास है तो थोड़ी सी वो भी ले लें और उस जैसी ख़रीद लें कभी भी ऐसा ना करें कि आप अगर कैट नहीं लेके आए आएं उसको वहाँ पे कोई और फीड दी जा रही थी और अब आपके पास आई है तो आपने अचानक से कोई और फीड जो उनसे उसको दे दिया तो ऐसे नहीं करना ऐसे भी कैट बीमार हो जाती हैं फिर आप बोलते हैं कि उसने बीमार दिया है लेकिन आ, बेचने वाले ने बीमार नहीं दी होती आपके पास आके बीमार हो गई होती है या रास्ते में कुछ ऐसा आप तरीका अपनाएं कि कैट सेफली आपके पास पहुँच जाए तो ये तरीका कार होता है कि कैट को देखने का कैट को पहचानने का कि कैट आपको जो दी जा रही है वो ठीक है भी या नहीं उसकी क्वालिटी ठीक है भी या नहीं एक नंबर चीज़ है या दो नंबर चीज़ है पर्शियन भी या नहीं कुछ पर्शियन में जो सा होता है वो भी मिक्स होते हैं तो वो फिर मैं आपको बता रहा था उसके बालों की क्वालिटी जो बिल्कुल आपको प्योर चीज़ मिलेगी उनकी बालों की क्वालिटी जो है वो ट्रिपल कोट में होगी बाल भी जो है वो सिल्की अच्छे बाल होंगे उसके उसके अंदर वो नाट भी नहीं पड़े होंगे आंखों का जो सा वो कलर है वो भी ग्रीन या ब्लू होगा और लाइनर लाइनर फील होगा आपको कि उनकी आंखों में लाइनर लगाया होता है तो ऐसी कैट जो सबसे बेस्ट होती हैं अगर किसी के पास ऐसी कैट है कि जिसकी ब्लू आई हैं या ग्रीन आई हैं फिर लाइनर भी है फिर डाल फेस है ऊपर से ट्रिपल कोट है हेल्दी है कोई भी मसला नहीं कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं तो फिर उस सैलर uh, का जो सा वो जो कैट बेच रहा है तो उसका हक बनता है कि वो अपनी मुँह मांगी कीमत जो सी वो आपसे वसूल करे और अगर आप शौक़ रखते हैं तो आप डेफिनेटली जो सा उसको उसकी मुँह मांगी कीमत देंगे क्योंकि जो शौक़ जो वाले जो लोग होते हैं वो ये नहीं देखते कि कीमत क्या है वो बस ले लेते हैं चीज़ को तो व्यूअर्स अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो उसके बाद कमेंट्स वगैरह जो आप करते हैं उसको देख के बहुत खुशी होती है कि लोग जो उनसे हम उससे कन्वर्सेशन करते हैं और मैं भी उनका फिर रिप्लाई करता हूँ ठीक है और उसके बाद अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या कोई मशवरा वगैरह चाहिए कोई भी कुछ भी कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं कैट्स के रिलेटेड तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ तो आप रात नौ बजे के बाद मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपको आपके मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़